बागीरा बहुत दम फिर जीत गई, बहुत दूर तक रही आगे। अच्छा बागीरा तुम जीत गई। मेरे को फ्यूल अप भी करवाना है। अभी सही पथ में भगाएं तब आतंक मचाएंगे। राइडिंग जैकेट उठा ले फिर भगाएंगे अच्छे से। रिएक्शन तो भाई मिलता है क्योंकि गोलू ब्लॉक्स आया लखनऊ में। चलो शॉप खोलिए, यहाँ से राइडिंग जैकेट मिल जाएगी अपनी। भैया कोई है नहीं क्या? तो यहाँ पे अपने को राइडिंग जैकेट मिल गई है, तो चलो देखो। दोस्तों मेरे को मेदांता हॉस्पिटल जाना है और इस समय बज रहा है 1:24। देखते हैं मैं मेदांता हॉस्पिटल कितनी देर में पहुंचता हूँ। यहाँ से मेदांता थोड़ी दूर है। चलो 1:24 हो रहा है, अब भगाते हैं। कॉल आ गया था। छह मिनट के अंदर ये पुल पार करने में कितना टाइम लगेगा मेरे को? ज्यादा नहीं, मुश्किल 10 से 12 मिनट। क्या चल ओए, वहां जब मैंने पुल स्टार्ट किया था ना और मैं जानता 6 मिनट में पहुंचा। भाई 130-135 चल रही है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, जेल जा रहा है। एक वीडियो बनाओ। पेट्रोल है ना, हमें डीजल का साइन दिखा के मैंने डीजल डाल ले। हम लोग यहाँ इसलिए रुके हैं क्योंकि हम लोग एक बंदे का इंतजार कर रहे हैं, उसका वेट करने के लिए। कॉल आया ये? क्या बोला है? चाय में पी ले। चाय पीते पहले। तो अपना एक और बंदा आ गया है, वो RC 390 आ गई है। तो हम और शुभम भाई चलते हैं। अब आप समझ ही गएंगे RC 390 BS4 हम लोग क्या करने जा रहे हैं। चले रिएक्शन। तो दोस्तों अभी हम ये प्लान कर रहे हैं, RC 390 दोनों सेम मॉडल है, तो इसका वीडियो मैं इसमें नहीं करूंगा क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग में, हाँ नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे क्योंकि भाई वीडियो भी लंबा हो जाएगा ना इसी वजह। तो चलो शुभम भाई के साथ तफरी के साथ बने रहते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में। यो गाइस, मैं वापस आ चुका हूँ और सच्ची बता रहा हूँ घर पे आके पहले गद्दा सो नहीं रहा था, लेटा हुआ था और
एक मेरे पास ये बेडशीट है जो मेरी सिस्टर ने भिजवाया था, तो ये गर्म करता रहता है, तो इस वजह मैं इसी के ऊपर लेटा हुआ था आराम से। मैंने सोचा वीडियो को एंड करने की भी देरी आज, और ऊपर वीडियो एंड करने से पहले हम एक चीज बताएंगे, जो हमारा जो गोवा का जो ट्रिप था, आप लोग सोच रहे कि कितना खर्चा आया होगा, सबके मन में ये सवाल चलो कि कितना खर्चा आया होगा, तो मैं टोटल बता दूं ना, मेरा टोटल यहाँ से जाने का है ना सिर्फ पेट्रोल का, और जो मैं होटल में दो तीन जगह रुका था उसका टोटल, मैं यहाँ से जाने का बता दे रहा हूँ, मेरा 10,500 खर्चा है। फिर वहां पे लौटते समय जब मैंने गोवा टू भोपाल नॉन स्टॉप जब मैंने मारा था, तो भाई उसमें भाई मेरा कम से 6,000 का पेट्रोल लग गया था, क्योंकि मैं नॉन स्टॉप रुका, और फिर जहां जहां मेरे को होटल ने, मैं फिर अंदर भी गया था सिटी में, तो इसी वजह थोड़ा बहुत तो खर्चा हो गया था। टोटल में तो मेरा 25,000 का खर्चा आया गोवा ट्रिप पे, ऊपर नीचे थोड़े बहुत खर्चे हुए थे, लेकिन टोटल मेरे 25,000 से और ज्यादा खर्चा नहीं हुआ। तो मैं तो सोच रहा और भी ज्यादा खर्चे होंगे, लेकिन तब भी यार 25,000 बहुत होते हैं मेरे लिए। 25,000 मेरे लिए 10,000 भी, 10,000 क्या मेरे लिए 1,000 बहुत बड़ी चीज है, 1,000 क्या 100 रुपये बहुत बड़ी चीज है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो यही एंड करते हैं, और आज तो यार बहुत मजा आया, क्योंकि जिस हिसाब से आज हमने बाइक वाइक चलाई ना, मजेदार थी। अभी हम जाएंगे वीडियो एडिट करेंगे, और बाल हमारे एकदम सेट है अच्छे से, रात में बाल मेरे सेट रहते भाई, सच्ची बता रहा हूँ, कंबल ओढ़ के ले रहा था, लेकिन तब भी भाई मेरे बाल एकदम सेट। चलो फिर इस वीडियो का एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल पर आए चैनल सब्सक्राइब करेगा, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करेगा, कुछ ना कुछ धमाके आने वाला है, कुछ ना कुछ बहुत तगड़ा आने वाला, कब आएगा जनवरी के एंड तक बहुत अच्छी चीज आएगी। तो तब तक के लिए गुड बाय।